इन्फिनिक्स का ऑल न्यू इन्फिनिक्स Y1 न्यू और इस वाले लैपटॉप की प्राइसिंग है 25,500 रुपए। तो इस वाले प्राइस पे क्या ये लैपटॉप वर्थ फॉर मनी है या फिर नहीं, इस वाले वीडियो में आपको कंप्लीट बात करने वाले हैं। वैसे भाई हमने इस वाले चैनल पे हजार तरह के प्रोडक्ट ट्राई किए, मुझे लगता है कि इतना सस्ता लैपटॉप विंडोज का मैंने कभी ट्राई नहीं किया। वैसे इन्फिनिक्स बजट में काफी सारे लैपटॉप बनाते रहते हैं, फ्लिपकार्ट पे अमेजोन पे चेकआउट कर सकते हो। इसका जो बेस्ट बाइंग लिंक होगा हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और प्रोडक्ट को भी टैग कर देंगे। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं इसके अनबॉक्सिंग से। ब्लैक सा बॉक्स मिल जाएगा आपको, ऊपर लिखा हुआ है इन बुक Y1 सीरीज। तो बहुत ही सिंपल आपको यहाँ पे लैपटॉप मिल जाएगा। यूजर मैनुअल कोई सा भी हो भाई हम कभी नहीं पढ़ते। उसके बाद यहाँ पे आपको एक चार्जर मिल जाएगा, ये एक 45 वॉट का चार्जर है, वेट से काफी कम सा है और अच्छी बात ये टाइप सी सपोर्ट करता है और एक फास्ट चार्जर है। कितना फास्ट वीडियो में चल जाएगा आपको। बॉक्स के आपको यही कुछ मिल जाएगा और एक बार तार देख लेते हैं भाई। विनय भाई पकड़ो इसको, ऑलमोस्ट 2 मीटर का तार है दोस्तों। वैसे एक बार चेक भी कर लेते हैं, मैकबुक के तार से कंपेयर करते हैं। देखो मैकबुक का थोड़ा सा लंबा है तार और एक बार चार्जिंग टेस्ट करते हैं तो ये टेबल मेरे छाती तक आ रहा है और इसका तार आराम से यहाँ पे लग चुका है, मतलब तार इनफ लंबा है। अब कितना टेस्ट करूं आपके लिए। वैसे लैपटॉप ऐसे खुल भी जाता है। सो हमारे पास जो कलर है ये आपको सिल्वर कलर है। टोटल आपको 3 कलर मिलेंगे, ब्लू है, एक ग्रे है और डिजाइन भी थोड़ा डिफरेंट लगता है और लैपटॉप फर्स्ट इंप्रेशन में थोड़ा आपको बल्की फील होगा। साइड बाय साइड कंपैरिजन कर लेते हैं मैकबुक एयर M2 से और ये इन्फिनिक्स Y1 प्लस नियो से। डेफिनेटली आप देख सकते हो भाई डिफरेंस काफी ज्यादा है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। कम्प्लीट बिल्ड है एल्यूमिनियम की बनी हुई है, मतलब पूरा प्रीमियम फील देने की कोशिश किया गया और इसके अंदर ये 1 फिंगर से ओपन भी हो जाता है बहुत ही आसानी से। मतलब इसका वेट बहुत ही अच्छा बनाया है इन्फिनिक्स ने और 25,000 रुपए के अंदर ये फीचर तो देखो मिलेगा ही नहीं। और मैक्सिमम कितना खुलता है ये देखो, ये इतना खुल जाएगा जो आराम से काम कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बैक साइड से आपको यहाँ पे 4 रबर पैडिंग दी हुई है, यहाँ पे स्पीकर्स हैं इसके और इसका भी बिल्ड पूरा प्लास्टिक है भाई। ये फर्क समझ में आया? मैं कुछ समझ में आ गया भाई, लेकिन इसका पूरा फील मैट वाला है इसीलिए आपको फील अच्छा आएगा, प्रीमियम लगेगा ये। इसका वेट 1.76 kg है लेकिन रियल लाइफ में थोड़ा सा बल्की होता है, लेकिन स्टिल पूरा जो लैपटॉप है देखने में प्रीमियम लगता है और कहीं से भी 25,000 का तो नहीं लगता है। और जो साइड फ्रेम है नीचे वाला आपको प्लास्टिक का है, ऊपर वाला मेटल का है। और पोर्ट के बारे में बात करते हैं, टाइप सी पोर्ट है, USB पोर्ट है, HDMI भी है यहाँ पे और ये LED इंडिकेटर है, चार्जिंग वार्जिंग के टाइम पे काम आता है। यहाँ पे दूसरा टाइप सी पोर्ट है, 3.5 जैक और अगेन USB एंड ये है मेमोरी कार्ड का स्लॉट। डेफिनेटली पूरे छेद प्रॉपर दिए हुए हैं इसमें और जब भी आप लैपटॉप ऐसे ओपन करते हो तो 3 सेकंड के अंदर अंदर इसका डिस्प्ले लिट हो जाता है। और यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं एक बार। तो और फ्रंट से अगर बात करें देखो, सबसे पहले लैपटॉप में बहुत स्लाइट सा वॉबल, इसका सिंपल मतलब है कि इसको आप लेके ट्रैवल करते हो तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, हल्का सा डिस्प्ले हिलेगा। लेकिन अगर रोड में गड्ढे नहीं है फिर आप मेट्रो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से यूज कर सकते हो। हिंज की क्वालिटी बहुत स्ट्रांग लगी मुझे, ये लैपटॉप पूरा स्टेबल फील होता है। थिकनेस के बारे में बात कर, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लगा है मुझे, इसको और थोड़ा कॉम्पैक्ट किया जा सकता है, लेकिन अगेन इस प्राइस पॉइंट पे आपको जो लैपटॉप आती है उसकी बिल्ड होती है प्लास्टिक की। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, ये 6 इंच का डिस्प्ले और डिस्प्ले की साइड व्यूइंग एंगल्स भी है ना बहुत अच्छे हैं। देखो इसके ऊपर मैं अगर डायरेक्ट अपना लाइट डालता हूँ देखो फिर भी ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, बहुत ही अच्छी डिस्प्ले है ये। सामने से ज्यादा ब्राइट दिखता है, साइड से हल्की से ब्राइटनेस इंपैक्ट पड़ती है। यहाँ पे हम नेटफ्लिक्स अमेजोन प्राइम सारा एंजॉय किया इसके ऊपर। देखो एक बार अपनी नई वीडियो चलाते हैं, JioVR पर हमने वीडियो बनाई थी, अभी 1080p पे हम लोग चलाएंगे वीडियो। क्या वॉल्यूम फुल कर देता हूँ मैं, ये बेसिकली 360 VR है और काफी स्मार्ट भी है, हमने इसको ट्राई कर रखा है 2-3 दिन से। अगर मैं साइड से भी देख रहा हूँ कलर में कोई इंपैक्ट नहीं है, आप भी अभी साइड से देख रहे हो कलर में इंपैक्ट नहीं आ रहा है, अच्छी बात है। जियो सिनेमा एप्लीकेशन है ना उसका IPL का पेज खोल दिया उन्होंने, बाकी सब चीज ऐड करेंगे वो भी। इवन दोस्तों इसके ऊपर आप स्टडी मटेरियल भी देख सकते हो। सही बात है भाई, स्टडी मटेरियल वेरी इंपॉर्टेंट। और इवन कि आप इस लैपटॉप पे भी अच्छी क्वालिटी में स्टडी मटेरियल देख सकते हो, डिस्प्ले काफी अच्छा दोस्तों। और एक बार ट्राई करते हैं 4K HDR वीडियो चलाने का, ऑफकोर्स HDR सपोर्ट नहीं करेगा इस प्राइस पॉइंट पे, लेकिन 4K वीडियो देखते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे 4K वीडियो प्ले कर रहे हैं, डेफिनेटली आराम से प्ले हो रहा है, अगर आप देखो तो एकदम स्मूथ चल रहा है, क्वालिटी एंड कलर्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं। इवन कि अगर आउटडोर में भी इसको प्ले करते हैं देखो इसका ब्राइटनेस काफी अच्छा है, इसके अंदर 250 निट्स की ब्राइटनेस है। तो डेफिनेटली इस वाले लैपटॉप को लेकर आप आराम से कैफे वैफे में भी काम कर सकते हो, कि रिफ्लेक्शन में भी दिक्कत नहीं है इसके, अच्छी भाई क्वालिटी अच्छी काफी है इसकी। और एक बार इसका स्पीकर चेक करते हैं, नेटफ्लिक्स पे ये पॉपुलर सीरीज देख रहा हूं, आप सभी को पता होगा, इसका नाम बताओ कमेंट में, जब तक प्ले करते हैं। भाई इसका स्पीकर तो काफी एवरेज है, विंडोज 11 प्री इंस्टॉल मिलेगा आपको और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, तो उसको आप डेफिनेटली खरीद सकते हो दोस्तों। खरीदोगे ना भाई? ना कि हाँ, क्या बोल रहे हो, देख लेना अपने हिसाब से। और अगर बात करते हैं कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड के बारे में, सबसे पहले यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन मिल रहा है, कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ना ही ये कैमरा फेस अनलॉक सपोर्ट करता है, बट मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं आराम से पासवर्ड डाल खोल लूंगा, प्राइस काफी कम है इसका। कीबोर्ड आपको नॉर्मल वाला मिलता है, मतलब इसके न्यूमेरिक की नहीं है और जो इसका स्पेस है ना
पूरा अच्छे से यूज नहीं किया गया है। जो लैपटॉप का की ट्रैवल काफी सिमिलर है मैकबुक से, और की का जो फीडबैक है हल्का सा सॉफ्ट वाला है, और आवाज भी भाई सॉफ्ट वाला है। ये देखो की का जो बैक रिस्पांस है, मतलब मैं जो दबाता हूँ भाई तो वापस जो की आता है ना काफी क्विक और काफी फास्ट है, तो इससे आपका टाइपिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा होता है। और 25,000 रुपए के हिसाब से अच्छा कीबोर्ड है, और जिसका ट्रैक पैड आप देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा दिया उन्होंने, मैकबुक से बड़ा ट्रैक पैड है ये। साइड में ये काम नहीं करता अच्छे से, देखो साइड में काम नहीं कर रहा, बहुत कम टाइम पे काम करता है। और जो आप बटन प्रेस करते हो ना, देखो यहाँ से प्रेस भी नहीं होता बीच से, ये प्रेस होता साइड से। तो अगर आपको एक ही हाथ से यूज करना है भाई, बहुत मुश्किल है यूज करना है इसको, मतलब कि जो पुराने वाले लैपटॉप होते थे वही वाला फील होता है। मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ दिखाता हूँ आपको, मैकबुक से मैकबुक का जो ट्रैक पैड होता है ना चारों तरफ काम करता है आराम से, और कहीं से आप प्रेस करके ये आप आराम से बॉक्सेस बना सकते हो, इसे आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये सिलेक्शन में काफी काम आता है। आप प्रोडक्टिव काम करते हो उसमें भी काफी काम आता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हो तो इसके साथ आप एक माउस लगा लो। ट्रैक पैड अच्छा है बट मैं थोड़ा और एक्सपेक्ट करूंगा, यहाँ पे ऑल द वे प्रेसिंग होना चाहिए था बस इस साइड में। देखो प्राइस के साथ मैं कंप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है भाई अच्छा काम कर रहा है। ट्रैक पैड के साथ आपको सारे जेस्चर भी सपोर्ट करता है, जैसे कि आपको डबल फिंगर्स ऊपर नीचे हो जाएगा, आपको यहाँ पर ट्रिपल से मल्टीटास्किंग हो जाएगी, ट्रिपल से अगर नीचे खींचते हो तो मिनिमाइज हो जाएगा। यहाँ पे आपको मल्टीपल डेस्कटॉप का भी ऑप्शन मिल जाएगा, ये विंडोज का फीचर है वैसे। और अगर बात करते हैं इस कैमरा के बारे में, इसका कैमरा यहाँ पे मिल जाएगा, ये 2 मेगापिक्सल कैमरा दोस्तों, और एक्चुअली काफी इंप्रेसिव कैमरा है भाई, इतना ज्यादा वाइड है। इसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं, ये 1080p कैमरा है, क्वालिटी एंड डिटेल्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। मुझे पता है भाई मैं प्रोफेशनल लाइटिंग सेटअप में हूँ, स्टिल भाई क्वालिटी बहुत इंप्रेसिव है इसकी 25,000 रुपए के हिसाब से। और इसके 2 माइक का भी सपोर्ट मिलता है, दोनों माइक की क्वालिटी कैसी आ रही है ऑडियो वाली आप मुझे कमेंट में बताइए, मुझे इंप्रेसिव लगा ऐसा कैमरा। और एक बार फोटोज भी ले लेते हैं, देखो फोटोज HDR कैमरा है भाई ये, देखो HDR प्रो ऑन कर लिया, क्या ही कैमरा बना दिया भाई, फेस रेट भी करता है क्या? ओ भाई देख रहे हो। और अगर आप अंधेरे में कुछ काम वाम कर रहे हो तो इसके अंदर ये फ्लैश भी मिलता है, डुअल फ्लैश है भाई ये। अभी तो हम थोड़े बहुत लाइट में हैं दोस्तों, इसको पूरा ही बंद कर देते हैं, अब कंप्लीट अंधेरा है। और ये फ्लैश अगर आप कैमरा यूज नहीं भी कर रहे हो तो भी यूज कर सकते हो, ये लैपटॉप को यूज करने में हेल्प कर रहा है। वैसे एक बैकलाइट कीबोर्ड भी है, पूरा इंतजाम है इसको यूज करने का अच्छे से। बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये वाला लैपटॉप के अंदर आपको मिलेगा इंटेल का 11th जनरेशन सेलेरॉन प्रोसेसर। इस वाले प्रोसेसर को आप मान सकते हो कि इंटेल का जो i3 सीरीज है ना उससे थोड़ा सा कम है, i3 सीरीज भी यूज कर सकते थे लेकिन इसकी प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती। सेलेरॉन भी आपका काम अच्छा कर देगा, क्रोम पे काम करें, देखो इतना सर मैं टैब खोल रहा हूँ, क्विकली काम कर रहा है। इसको बंद करूंगा मैं, देखो बंद भी करूँ तो आराम से काम कर रहा है क्विकली। YouTube पे आपको वीडियो देखनी है, कोई भी अगर वीडियो प्ले करता हूं मैं ये वाली तो आराम से वीडियो प्ले हो जाएगा, YouTube आराम से काम कर रहा है। देखो कोई भी आपको वीडियो डाउनलोड करके प्ले करना है जैसे कि वेलसी मीडिया प्ले, ये सारे सॉफ्टवेयर तो आपको आराम से चल जाएंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो इसके ऊपर आपको गेमिंग करनी है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। वैसे मैंने आप लोग के लिए एक बार इसके अंदर एसफॉल्ट 8 डाल रखा है, ये सारे गेम आराम से चल जाएंगे इसके अंदर, काफी ऑप्टिमाइज्ड गेम रहते हैं। बेसिक नॉर्मल गेमिंग में आपको रिकमेंड करने वाले इस लैपटॉप पे GTA 5 डाउनलोड करके खेलने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से भाई, 25,000 रुपए के अंदर GTA 5 चल भी जाए ना तो ही मत खेलो, लैपटॉप खराब हो जाएगा, खराब है परफॉर्मेंस काफी स्लो डाउन हो जाएगी। वैसे इसके अंदर 512 GB का SSD मिलता है, और ये 3.0 वाला SSD डालने से इसका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है काफी ज्यादा अच्छा है, डेली लाइफ में पूरा प्रॉपर यूज कर पाओगे इसको। दूसरी बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में, 1 घंटे के अराउंड चार्ज करोगे ये 75% चार्ज हो जाएगा, कंपनी ऐसा क्लेम करती है। तो मतलब 2 घंटे अप्रॉक्स में फुल बैटरी चार्ज हो जाएगी, और ये बैटरी चलेगी अराउंड 8 to 9 hours। 3 दिन से हम लोग इसकी टेस्टिंग कर रहे थे और बैटरी सच में काफी अच्छी परफॉर्म करती है इसकी। तो डेफिनेटली ये लैपटॉप स्टूडेंट्स के लिए काफी तगड़ा रहेगा, अगर आपको सीखना है, ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, एंटरटेनमेंट करना है, बेसिक सॉफ्टवेयर सीखने हैं, डेफिनेटली इसके साथ आप कर सकते हो। और अगर वीडियो एडिटिंग के बारे में बात करें तो इसके अंदर आप फिल्मोरा आराम से रन कर सकते हो, अडोबी फोटोशॉप भी आराम से रन कर सकते हो इसके अंदर, बेसिक लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी भी इसके ऊपर आप आराम से कर सकते हो। तो अगर कंक्लूड करते हैं इस लैपटॉप को, डेफिनेटली भाई वर्थ फॉर मनी रहेगा, और आपके भी लैपटॉप का बजट जो है 25,000 के राउंड चल रहा है, तो इन्फिनिक्स का ये Y1 प्लस नियो बहुत ही अच्छा लैपटॉप रहेगा, इसको आप चेकआउट कर सकते हो, बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, चेकआउट कर लेना, प्रोडक्ट में टैग कर देंगे। और इस पर वीडियो कितने रखते हैं अपने, यहाँ तक वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करके जाना, और कोई भी क्वेश्चन है आपका आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।